नहीं, राजा भोज होता। राजा भोज ने 14 विद्या रो मतलब बहुत ही अच्छा जानकार है, 14 विद्या वे निदान। 14 विद्या वे किसी होती? क्या राग रचन नृत्यगत नटवादी वेदंग तुरी खिलावण व्याकरण प्रणन जानस ज्योतिष अंग धनुष बाण रथ आकबो चित चोरी ब्रह्म ज्ञान जल तीर्णो धीरज वचन है। तो राजा भोज छव दे विद्या निदान। प्रथम रे मई आया करे राग। राग एक ऐडी चीज वे जिनो रस बनना चीज है। राग रसन जिन राग करे भी रागू पत्थर वे वो पलगड़ जावे। राग विद्या की याद ही के जो भगवान श्री नारद जी या बीण बजावता भगवान का जो कीर्तन करता उन टेम सब भगवान देवी देवता भेला हो जाता। राग में रस सुनो चीजें, राग रसेण राग करे बिनो रस नहीं बने और वो गावनो रोनो बराबर वे। राग रसेण नृत्यगत जो इकावनो कोई भी करे व्रत और विधि याद नहीं वे तो भूख मरना में की मिले कोई। व्रत कोई भी करे बिनी विधि विचार व्रत मात चालनो जो भगवान अपने बिन फल देवे। टा पड़े इकावनो कर ले पूरे दिन भूखो रहे वे दिन बदी को नहीं बिन पहली पेट में कुकरिया लूटे। और कहे के हम नहीं वे तो दिन बद गो और हमें इकावनो नहीं वे तो दोबारे बढ़ जी हमला थोड़ा। क्योंकि वह भूख तो सहन नहीं व्यजन अपन अड़ो काम नहीं करनो। राग रसेण नृत्यगत नटवादी वेदंग जो को राज नट होता बे राज राज में जा राज में जावता बिन जिज्ञा भर्त होती भी भर्त रे माते बे खेल मारता। खेल मारता उन टेम रे में भर्त रे माते बे घूमता भर्त माते नाचता। इतनी डोर रे मई बे लोई लगावता जीव भगवान के और डोर में लोई लगावे जे अगर भगवान वो लोई लगावे तो हैंदे बैकुंठ में जावे। क्यों भाई नहीं कला? कला बिना भरत माती नाचनो हारे है नहीं। नटवादी वेदंग वेद्रो जानकार राजा भोज जड़ा नहीं है। नटवादी वेदंग तुरी तुरी नाम बोले घोड़ा ने। घोड़ा ने सवार बिना सवारी बिना घोड़ा मत चढ़ी जे कोनी घोड़ा ने घुमाई जे नहीं। आज भी तारीख में ट्रैक्टर है गाड़ी है मोटरसाइकिल है जो को आई है विद्या है विद्या बिना वो चले कोनी। कला चीज है। अब बिना कला अपा गाड़ी में बे प्राण स्टीयरिंग माते बैन गाड़ी स्टार्ट कर देवा अपा चला ही नहीं जाना जाना या तो भीत में नाक देवा या कटी खाडा में पटक देवा बचीर लाग जा। नटवादी वेदंग तुरी खेलावण व्याकरण पढ़न जानस ज्योतिष अंग ब्राह्मण है और जो को ज्योतिष है कने टीपणो और ये टीपणा में ठाकुर जी अड़ी अड़ी बात लिखी उड़ी है। अगर कोई जानकार वे तो मरण जीवन नो ठा पढ़ और भी आकर रो जानकार गणित रो नहीं वे और तो भी नठा पड़े को हुई। क्योंकि पहली टाइम हर गांव हो तो और गांव रे में पढ़ी पढ़ी तो होती नहीं। पहली विद्वान कौन होता? ब्राह्मण। ब्राह्मण विद्वान होता जन हर गांव रे में एक घर हो तो और भी मरा ने कहता बाबूजी आज के हुई हो जन महाराज पढ़िया लिखिया होता जन कहता भाई आज तारे एकम हुई किंदे कहता आज बीज हुई आज वो बार हुई हो फलानो बार हुई हो जन बे चीज आपने ब्राह्मण देवता बतावता। और आम आदमी आजकल पढ़ियो लिखियो होगो आम आदमी के ना डायरी होगी बार तारीख नकद दूजा सब चीजें में देखने ढूंढगा। और पहली विद्वान होता ब्राह्मण होता ब्राह्मण ही अपने बे ज्ञान देता जन ब्राह्मण विद्वान वे पढ़ियो लिखियो वे जन अपने वे बार तारीख बतावे। अगर नी पढ़ियोड़ो वे जन बार तारीख बतावनो हाथ में रह को ये। नटवादी वेदंग तुरी खेलावण व्याकरण पढ़न जानस ज्योतिष अंग
धनुष बाण अरत आकबो, जको धनुष चलावता बाण विद्या बिना विद्या बिना बाण नहीं चालतो, जरूरी आ जैसे बंदूक चलावे विद्या बिना बंदूक ही चाले को नहीं, बचीर लाग जा खुदरा पैकड़ बोल जावे। धनुष बाण रत आकबो चित्त चोरी ब्रह्म ज्ञान, चित्री चोरी है और ब्रह्मारो ज्ञान है, ओ एक आत्मा आत्मा हुआ करे। एक तो ज्ञान दियोड़ो वे एक भी फलाना आदमी है बिने ज्ञान देवे और वो ज्ञान लागे, एक भगवान ने करो इस भी आत्मा ने ज्ञान लागे हृदय में। चित्त चोरी ब्रह्म ज्ञान जल तीर्णो धीरज वचन तो राजा भोज छव दे विद्या निदान। जल में तीर्णो विद्या बिना जल में तीरज कोरी, और सबो मोटी विद्या चौदह विद्या में सबसे बड़ी विद्या है बा एक धीरज वचन। धीरज वचन एक ऐडी चीज है और धीरज वचन बोलो नो तरीको वे तो महात्मा जी गांधी ने धीरज वचन याद हो जो पूरे देश ने आजाद कर दियो, कर दियो सा। खाली एक बोली बोलियो, सही बात है, धीरज जरूरी है था। धीरज वचन हमेशा सार चीज वे गम सार, एक तो धीरे बोलनो, एक जैसे री आवे बड़ी रीस नहीं अमान नहीं, और सार में सबू बड़ो सार है वो गम सार है। सही है सा। बोली बोली एक एर बोलन में कुछ फेर, वही काजल ठीकरी वही काजल नैण नैण वाशाबाश। एक आदमी बोले जन आपा देखा दोबारे और बोले तो ठीक लगे, और हगे सभा एर भी सभा में एक आदमी एड़ो बोले कि दोबारे नहीं बोले तो हाउल रेवे। सही बात है सा, जी अमृत बसे अमृत बसे, जे कोई जाने बोल विश्वास करा उतरे बे जी बातना इलोड़ इलोड़ वाशाबाश। तो बोली बोली एक एर बोलन में कुछ फेर, वो ही काजल ठीकरी वो ही काजल नैन नैन आगे जी के देता। एक आंख में सुरमो काटे जनबा आंख पूटी लगे, और हगे काजल वेर ठीकरी माते गुड़का कर चार रास्ता फंडे उड़ ले जान बा ठीकरी मेल दो जो मिन कना कर बे जन आगो जाए के भाई मैं छिया पड़ गई तो भूत बढ़ जाई। क्यों काजल तो हगे रह गयो, काजल हगे यार के माते छिया पड़ गई तो इनमें आपन भूत बढ़ जाला। सही बात है सा। तो बोली एक चीज बा आगे वे पर बोलो ना तरीका अलग वे। सही बात है सा, लाख रुपये की बात है सा। कागा किसका धन हरेर कोयल किसको देत, देत एक जिबिया रे कारणे जुग अपना कर लेत कर लेत वाशाबाश। कोयल वे जो को बोले उन टाइम अपन देखा एक और बोले तो ठीक लगे। सही बात है सा। अब बागरे में ये कोयल बोले मीठी मीठी वे कोयल भाषा बोले और अड़ने वे कोयल यहाँ मीठिया भाषा बोले। उन टाइम एक राजा कना कर नगरी बारले पहाड़ गाँव में घूमने जावे, अब कोयल बा मीठी भाषा आवाज सुनी और राजा साहब ने जचीरे के अगर ओ जानवर अपने बटे सबारे बिचेर पिंजरा में बंद वे बोले तो पूरी सभा मोहित हो जावे। सही बात है सा। अब राजा साहब जटू बी रुयोड़ार बी जगियों पुठा गिरिया, अब पोठा जाए आगे वे मास्टर आ बे मास्टर आगे बात करी कि फलानो बाग दरगतरे माते एक जानवर बैठो है और बिन ते पकड़ तो बिन पकड़ लो। ठीक है सा। बे लोग फुगा फट ले जाली और बिन जगिया गया तो कोई लोग के कायदो बने जिन जगिया बेवे और बिन जगिया बा बैठी रह को हो ये नहीं रह सा। एक जगह नहीं रह कोई हमेशा मीठी मीठी भाषा बोल बा उड़ेरी कर दूसरे दरकत माँ जाती रे, दूजे दरकत माते बोले तीजे दरकत माते और जाती रे। बा एक जगह बैठी नहीं देवे। अब वे मास्टर लोग जाली लेन बट गया बी टेम में ठाकरो जी के यो के कोयल तो उड़ कोयल उड़ गई और बी जगह एक पिंचो जी आर बैठ। अब वा जाली नाकी जाली नाकते पिंचो जी मैं पकड़ीजगा और पिंचो जी मैं लान पाता बिन पिंजरे में बंद कर।
एक मिनट की तो फोन चले या तो बाहर चले बाहर रह साहब हुए ना सा हमें बरोबर आवे हेल्प टेक यो है अब वा कोयली जगह भी पीछू जी ने पकड़ पिंजरे में बंद कर कर लियो सा और बिन जगह ले ना या ठीक सा तो राजा लोग तो बिना जानवर ने देख क्यों नहीं खाली बिनी आवाज सुनी के भाई वो मीठू बोले बे तो खाली एक आवाज देख मिनी परीक्षा करी बहुत सुंदर अच्छो बोले सही बात है अब उन टाइम रे मई बे मास्टर लोग पिंजरा में बंद करी ओड़ो और भी पक्षी ने बढ़ ली जान क्यों साहब मैं तो अटल ना आई दरबार क्यों इन वास्ते बढ़िया अच्छा फल फ्रूट लान इन दे दो सही बात है सर अभी पक्षी ने फल फ्रूट लान दे दिया वो पक्षी फल फ्रूट जी मनो स्टार्ट है ठीक सर जी में अब वो पक्षी फल फ्रूट जी में जीम जीम लारे बीटा डिगला बोले कद भूख लागे तो बोले वो क्या वास्ते बोले फल फ्रूट गणे है वो बोलने काम ही रियो नहीं दरबार भी जिगिया बैठा बैठा मन में विचार करियो दरबार की ओर खासी टेम होगी है जो हमें बिल्कुल जरूर बोल सही बात है सर दरबार कचड़ी जुड़ी उड़ी उन टेम दरबार बात करी दरबार देन बोले भाई ओ एड़ो एक छोटो जानवर है पर बोलने बहुत अच्छो मीठो बोले है तो अच्छो जानकार मीठो बोले और भाषा आप हूँ जना आप ही प्रसन्न हो ठीक है अभी मेरे पास भाषा होनी ओड़ी नहीं मैं क्यों भाई बोली था भाई सुन ले होनता ना अपन के लगे सही बात है सर ते मा दो घंटो घंटो हो गो ठाकुर जी दरबार ने मन में बारी सही दरबार क्यों रे बोले क्यों नहीं भाग रे मैं बोल तो अठे क्यों नहीं बोले अठे बोले नहीं कारण के जन दरबार है मन में जहाँ विचार आयो कि भाई आप यूं करो मास्टर है बन बुलो बुला ने जबरदस्ती बोलो बोलाओ जन आप ही मीठी भाषा बोले अब दरबार में मास्टर ने बुलान की और भाई अभी यूं करो और इन जानवर ने बोलो आप सही बात है सर अब वे मोटा तिका हिलाया लियोड़ा और भी पक्षी ने भी हिलाया गुदा देना स्टार्ट कर दिया अभी जानवर ने भी तिका तिका हिलाया लागार के वो पक्षी मैं बोलियो पक्षी क्याड़ो बोले के कच बच कच बच कच बच कच बच आवाज काटे सही बात है सर कच बच कर दियो अब वो आवाज काटे थे दरबार ने बड़ रही सही दरबार की अरे बा बागाली बाणी बोले तो मैं तन छोड़ू और बागरी बाणी नहीं बोले जितने मैं तन छोड़ू को वो ये जन बटे भी सब अरे मैं एक कवि बैठो जन वो कवि एक कविता करी कवि देन बोलियो हुकम दरबार आप गया था बाग में वहाँ बोली थी कौ और कौ तो उड़ गई आपने मंगा लिया म्यू तो कचबच कचबच कह बतलावे इमरत बाणी कहाँ से लावे इन्हें कोठे में इमरत बाणी नहीं वे तो इमरत बाणी आवे को हो ये सही बात है सा तो हमेशा जीव भगवान अपन दिवी या एक शरीर में अमी है कठे भी कोई शब्द बोले तो पहले मन में विचार कर और पच वो शब्द बारे काटनो बोलनो बोली बोली एक है बोलन में कुछ फेर वही काजल ठीक रही वही काजल नैन सही बात है तो आ बात है ठाकुर जी।